आज की वीडियो में आप सभी के लिए लाया हूँ, क्योंकि एग्जाम अब आने वाली है, तो जिसके कारण से आप दिन में तो पढ़ते ही होगी, बहुत कोई रात में भी पढ़ते हैं, तो जिसके कारण से लाइट अगर कट जाती है तो आप पढ़ नहीं सकते हो। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए यह वीडियो लाया हूँ, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, इससे आपके पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दो पेंस चाहिए, हमें ये दो पेंस चाहिए, एक हमें चाहिए जिससे हमें राइट करना है, और एक हमें खाली वाला है, कोई भी खराब पेन ले लेना है, और हमें एक चार्जर पिन चाहिए, आप देख सकते हो, ये आपको 10 रुपये में मिल जाएगी, और एक हमें स्विच चाहिए। अगर ये स्विच आपको नहीं मिलती है तो आप हेडफोन से निकाल सकते हो, ये हेडफोन में लगी हुई रहती है। और एक हमें एलईडी लाइट्स चाहिए। अगर आपके पास ऐसा एलईडी लाइट नहीं है तब कोई भी एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं। और एक हमें डायोड चाहिए, और हमें एक चार्जर इंडिकेटर लाइट चाहिए। अगर ये लाइट आपको भी बनाना है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जा करके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे इसे बना करके दिखाया है। और हमें एक बैटरी चाहिए, ये मोबाइल की बैटरी मेरे पास है, आपके पास अगर इमरजेंसी वाली बैटरी होगी तो आप उससे भी बना सकते हो इसे। तो सबसे पहले हमें जो ये खराब वाली पेन है उसे हमें कट कर देना है, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो हमने अब पेन को कट कर लिया है, तो अब हमें इसे पेन में चिपकाना है, तो इसे आप यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो मैं चिपका लेता हूँ। हमने इसे चिपका लिया है, तो अब हमें इस बड़े वाले पेन के कट को भी इसमें यहाँ पे चिपका लेना है, यहाँ पे इस तरह से मैं चिपका लेता हूँ इसे भी। तो हमने अब इसे भी चिपका लिया है, तब इस छोटे वाले पेन के कट को यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे हमें इस तरह से, तो मैं इसे भी चिपका लेता हूँ। तो हमने इसे भी साथ में चिपका लिया है, तो अब हमें स्विच को भी यहाँ पे चिपकाना है, यहाँ पे हमें इस तरह से, तो मैं इसे भी अब चिपका लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने अब यहाँ पे स्विच को भी साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमें एक एक करके सभी सामानों को यहाँ पे सेट करना है, तो मैं ये बैटरी को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इस तरह से, तो मैं इसे भी सेट कर लेता हूँ। तो हमने बैटरी को भी अब साथ में कनेक्ट कर लिया है, तब हमें ये चार्जर को यहाँ छोटे वाले पेन के कट में यहाँ पे मैं फिट कर दूंगा इसे, तो मैं इसे भी यहाँ फिट कर लेता हूँ। तो अब ये हमारा चार्जर भी यहाँ पे सेट हो गया है, तो चलिए अब चार्जर इंडिकेटर को भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इंडिकेटर को भी लगा दिया है, तो चलिए अब इस लाइट को भी यहाँ पे सेट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो मैं इसे भी सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें इस स्विच से एक वायर लेके जाना है, जो हमारी ये सीधे यहाँ पे जाएगा बल्ब की कनेक्शन में, तो उसके लिए सबसे अच्छा वायर ये पतला वाला रहता है, तो मैं इसे ही यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं इसे सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे सोल्डरिंग किया है। तो हमने अब इसे सोल्डरिंग कर लिया है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मैंने इसकी वायरिंग कैसे की है। तो सबसे पहले हमें हमने यहाँ पे स्विच से एक वायर लेके गया है, जो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आके बैटरी में जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बैटरी में कनेक्शन कर दिया है, और मैंने एक और वायर यहाँ से लेके गया हूँ, जो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होकर सीधा यहाँ पे लाइट में आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक वाला वायर।
और मैंने फिर इसका पॉजिटिव मैंने निकाला लाइट का, आप देख सकते हैं कि ये मैंने रेड वाले वायर को डायरेक्ट यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव में मैंने कनेक्ट किया है। और यहाँ से एक और वायर है जो हमारा ये यहाँ पे डायोड लगाया हुआ है। डायोड से ये होता है कि ये हमारा चार्जर में करंट को फ्लो नहीं करने देगा, ये यहीं पे इसे रोक के रखा हुआ रहेगा। और मैंने इसका चार्जर का नेगेटिव को मैंने यहाँ पे सेट किया है बैटरी के नेगेटिव में। अब मैं बता देता हूँ कि ये इंडिकेटर लाइट को भी मैंने उसी तरह से सेट किया है। तो ये हमारा पॉजिटिव था, यहाँ पे ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसे यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है कनेक्शन। और इसके जो ये नेगेटिव है उसे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे चार्जर के पिन में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। तो चलिए अब मैं इसे ग्लू गन के माध्यम से इसे मैं पैक कर लेता हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो, जैसे टेप या गोंद, इससे आप इसे पैक कर लेना। मैं इसे पैक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसे दिखाता हूँ इसे टेस्ट करके कि ये काम करती है। तो मैंने अब इसे पूरी तरह से इसे पैक कर लिया है, आप देख सकते हैं इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं। तो मैं आपको अब इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले लाइट को ऑफ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे ऑन कर दिया है, ये यहाँ पे इसका बटन है, मैंने इसे दबा करके रखा है। तो मैं आपको अब इसे लिख करके भी दिखाता हूँ कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए ये कितनी आसानी से लिखने में हेल्प कर रहा है, तो आप इसे जरूर बनाइएगा। तो मैं आपको इसका चार्जर भी चेक करके दिखा देता हूँ कि ये चार्जिंग पे ये लाइट इंडिकेट करता है। मैंने इसे लगा दिया, मैं ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से आप इसे जरूर बनाना। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे बटन को भी दबा दीजिएगा। मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।